हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वाराणसी में हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र काशी आगमन होने जा रहा है। 12,000 करोड़ रुपए की सौगात काशीवासियों को सावन के पर्व पर मिलने जा रही है, किस तरह की तैयारी है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आज उत्तर प्रदेश में आगमन हो रहा है और पहले वह गोरखपुर आ रहे हैं, गीता प्रेस जाएंगे और 100 साल गीता प्रेस के पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में भारत सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया है और वह गीता प्रेस रूपी एक ऐसा संस्थान है जो हिंदुस्तान वासियों के हर घर तक पहुंचा हुआ है और कई परियोजनाएं भी विकास की हैं। गोरखपुर से भी वह शिलान्यास और शुभारंभ का कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी का जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम स्वनिधि योजना, यह 3 प्रकार की योजनाएं हैं और तीनों प्रकार की योजनाओं को लेकर के जबरदस्त तैयारी, जबरदस्त उत्साह और यह कार्यक्रम भी अपने आप में अभिनव है, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा देना अलग बात है और गरीबी को हटा करके दिखा देना यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है और नारा कांग्रेसियों की अगुवाई में दिया गया है। तो आज काशी के लिए भी और गोरखपुर के लिए भी बहुत शुभ दिन है और सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ जी की पवित्र नगरी में अपने संसदीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी 41वीं बार आ रहे हैं, खुशी की बात है, बहुत कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता है। सर, अखिलेश यादव के सपा के कार्यालय के बाहर एक PDA का पोस्टर लगा है, लगातार वायरल हो रहा है। 12 तारीख को विपक्ष की एक बैठक भी है जिसमें सीटों को लेकर के बातचीत। 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में से केवल 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। सपा का UP के अलावा कहीं खाता नहीं खुलने वाला है, इसलिए इस बात से संतोष अर्जित करने के लिए होर्डिंग वगैरह लगाना चाहिए कि PDA जीत रहा है, PDA लड़ रहा है और 24 का जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा चारों खाने चित्त पड़े। तो ये थे हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएगा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।